जो आप ये के ड्रम वम बजाते हैं, आपको शौक है क्या? असल में तो है, बहुत ज्यादा शौक है ड्रमिंग का, तो बहुत ज्यादा। कभी आपने सुनाया नहीं यार? ऐसा थोड़ी कि मैं, हाँ तो मैं तो सुबह उठते ही ड्रम शुरू जाता हूँ। अब घर में सेट रखा हुआ आपने? नहीं, मैंने कहा मैं सिर्फ शौक है। शौक है किस, क्या बजाते हैं आप? उसका क्या कुछ बजाते होंगे ना, उसका नाम है शौक शौक शो। नॉट अ बैड आइडिया, मेरे तुमने मेरे शो का नाम दे दिया शौक शौक कौन दाढ़ी वाला बंदा होस्ट कर रहा है, पता नहीं कौन वो वाला नॉक नॉक डॉक डॉक। अच्छा ठीक है, वो सलीम का भाई, सलीम सलीम। यार आपके यहाँ पे बहुत सारे फैंस मौजूद हैं, उनके पास कुछ सवाल हैं वो पूछना चाहते हैं आपसे, अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो बुलाए। खतरनाक नहीं है तो फिर बिल्कुल रेडी है ये, तो मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा चल फिर मेरा कौन पूछे पहला सवाल, आप पूछ रहे, आए ना यहाँ आए। सबसे अच्छा सवाल किसको लिख के दिया गया है? आए आए प्लीज आप, मैं नए होस्ट दे रहा हूँ इंडस्ट्री को, मैं कहता हूँ कि बैठे आप मेरी सीट पे। ऐसा कोई होस्ट जानते हैं आप जो अपनी अपनी सीट छोड़ दे? वो बोले यार बैठो मेरी सीट पे, कोई टेंशन नहीं। अब आप हमारे दरमियान बैठना चाह रहे हैं तो ठीक है, क्यों ना बैठो। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल अली है। कोमल अली, कोमल कोमल मीट मोमल, मोमल मीट कोमल। ओके माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू बहुत। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शेख फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आजकल बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, तो इसका इशू आपको भी होता है? आपको भी मसला उनको तो ज्यादा होगा, शेखों का नहीं पता आपको? मैं बता दूं आपको, ये हम कोई, ये जो शेख होते हैं ना दुबई वाले, हम वो शेख नहीं है। नहीं, आप पाकिस्तानी वाले शेख हैं, हमें पता है। हम नकली शेख हैं, पाकिस्तानी शेख हैं आप। पाकिस्तानी शेख क्या होते हैं? कंजूस होते हैं। नहीं नहीं मैं, अच्छा वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो शेख शेख शो नाम रख लेना, द शेख शेख। आई थिंक सो ये पूरा एपिसोड द शेख शेख शो। कौन सा वाला शेख? मिल्क शेक वाला शो? या शेक शेक वाला शो? मिल्क शेक पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं शेक शेक पे। ऑलराइट ओके गॉट इट। सुने आपको इधर आप सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, आप लोग पता नहीं कहां जा रहे हैं। आपका सवाल ये है क्योंकि ये शेख है तो इनका बिजली के मसले होते होंगे, बिजली मिलाता है कि नहीं आता। मेरे मेरे मसले हैं आप लोग की तरह ही मसले हैं, और मियां ने बहुत सख्ती से डांटा है, तो मैंने सोचा है कि मैं दिन के वक्त बच्चों को लेके दोस्तों के घर चली जाऊं, ताकि दिन का बिल का बिजली का बिल बच जाए। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मजे की बात ये है कि इनकी दोस्तों ने भी यही प्लान बनाया है। एज लॉन्ग एज रात को तो आप लोग वापस आ जाते हैं। नहीं, ये एक्चुअली सीरियस मसला है, जोक्स अपार्ट, हमारी गवर्नमेंट कुछ करे इस बारे में। गवर्नमेंट क्या करे, एसी आप चला रहे हैं घर में, गवर्नमेंट क्या करे? नहीं जो बट चला रहे, नहीं पंखे और इस्त्रियां कपड़े आप कर रहे। एक सेकंड, पंखे और लाइटें तो हम पिछले महीने भी चला रहे थे, हर महीने डबल क्यों हो जाता है? कोई क्या डबल उस मीटर पे चल रहा है, क्या हो रहा है? जावेद शेख की बेटी, इनको क्या टेंशन है? वो वहाँ वो कह रहे हैं आपके घर में आ रहा है ना डबल बिल, डबल ही माइक पे बताएं। जी बिल्कुल डबल डबल आ रहा है, आप लोगों के घर में डबल आ रहा है? आप लोग जावेद शेख के बच्चे हैं? ये नहीं है कि बिल डबल आ रहा है, बात ये कि शेख साहब को टेंशन नहीं है ना, और क्या पता एक तो हूँ, हमें क्या पता शेख साहब का। यार साहब के साथ मैं नहीं रहती हूँ, मैं शादी शुदा हूँ मैं। अरे हम भूल जाते ना, आप इतनी छोटी लगती हैं यार। थैंक यू सो मच, ऑलराइट ओके सॉरी। थैंक यू कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। हम भूल जाते हैं ना आपको देख के यार, कि आप मतलब शादीशुदा हैं, दो बच्चों की बात। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप कहाँ से लगती हैं असल जिंदगी में यार, है ना? बस आप भी तो नहीं कंफ्यूज हो जाते थे सेट पे रजिया के? नहीं नहीं सर, रजिया के सेट पे कंफ्यूज नहीं होता, आज कंफ्यूज, आज हो रहे हैं आप कंफ्यूज। ओ वाओ थैंक्स फॉर द राइड। आपका भी आए ना, आए आए ब्लैक पहन के आई आज, आई एम प्लीज। ओ इतनी खूबसूरत लग रही है, आई लव योर आई शेड बाय द वे। ठीक है, ये माइक आपका, स्पार्कलिंग वेरी नाइस जी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम अरीबा अलवी है। अरीबा, मैं एक्टर ही बनना चाहती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। ओह लवली, आप मेरा रोल मॉडल है। आपको ऐसा हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा होगा, दिखाइए जरा। ये देखिए, वो खुद बहुत अच्छी हैं, तो निंजा हैं ये, निंजा वॉरियर। मेरा सवाल वैसे मुहिब से है कि आपकी और सनम सईद की शादी की काफी सारी न्यूज वगैरह हम सुनते ही आ रहे हैं, कब से बनना है ना आपको? तो सवाल सोच लीजिएगा, और नाम है मुहिब, मुहिब का मतलब कुछ और होता है। मुहिब, मैंने आपका नाम मुहिब लिया, मुहिब का मतलब कुछ और। आपकी और सनम की शादी की जो न्यूज़ है काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, मगर आपने उसको इतना लेट क्यों अनाउंस किया?
आपको क्या पता मेरी शादी कब हुई थी? अभी आपने बोला ना एक इंटरव्यू में रिसेंटली कि आपकी मुलाकात हुई एक सेट के ऊपर, उससे क्या ताल्लुक है? तो किससे क्या ताल्लुक है यार? इजहार मोहब्बत और शादी में फर्क होता है। वी आर ऑल वेरी हैप्पी यार, मोहब्बत सनम के लिए तालियां भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्योंकि अनाउंस कर चुके हैं, काफी दफा अनाउंस कर दिया, अब तो कितनी दफा कर। अबे वो कह रहे हैं उनके खाते में, आपने क्यों, आप इतने देर क्यों लगी आपको अनाउंस, देर क्यों अनाउंस किया भाई? मेरी मर्जी, ये बिल्कुल सही, ये अच्छा जवाब था। अच्छा जवाब अप्रूव कर दिया उन्होंने, जवाब अप्रूव, अरे जवाब अप्रूव कर दिया, वाह वाह वाह, अरे वाह, थैंक यू। देखिए जरूरी होता है कि जो सवाल पूछे वो भी अप्रूव करे जवाब, मुझसे जवाब पूछ लेते। जवाब ये था कि भाई वो करण जौहर कॉफी विद करण का वेट कर रहे थे, वहां जाएंगे तब अपना सब बताएंगे। नहीं राइट, तो द टॉक टॉक शो में क्या बुराई है? कॉफी नहीं है ना, कॉफी नहीं है ना, ये हम हैम्पर्स भी नहीं है ना, ओए यार वो खाली हैम्पर देते हैं, पैसे नहीं देते आपको, क्या आप पैसों में ही हैम्पर भी दे दे। कितने की, चले आप हैम्पर ही दे दे, की वीडियो बिकी होगी उस दीपिका और रणवीर की, दीपिका और रणवीर मोमल, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं तो बता रही हूँ, मैं कौन सा ले रही हूँ पैसे के पीछे, भागोगी तो फिर कुछ नहीं आएगा हाथ। आज से इस शो में हम अनाउंस कर रहे हैं कि हसन चौधरी ये शो टॉक टॉक शो 50 एपिसोड्स के बाद फ्री में करेंगे, क्योंकि हसन चौधरी को एक्टिंग जॉब मिलने वाली है। अनाउंस कर दिया प्रोड्यूसर ने, नया हीरो मिलने वाला है इंडस्ट्री को भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट भाई। हमारा अगला सेगमेंट है बड़ा मजे का, उसका नाम है नकल के लिए अकल। तो ये बहुत सारे शोज हैं मार्केट में, टॉक शोज जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे गेस्ट को बुलाते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कराते हैं, फिर दो गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं, रेटिंग रेटिंग का चक्कर। मैंने तो कभी नहीं किया सर। नहीं किया आपने? मैंने कब आपकी बात की? आपने मैंने कहा बहुत से टॉक शोज मार्केट में हैं, मैंने कब बोला ये करके मार्केट कसम उठवा ले, मैंने ना कसम उठवा ले, मैंने नॉक ऑफ नॉक ऑफ क्यों निकल जाता है मेरे, नॉक नॉक शो का मैंने नाम भी नहीं लिया, मैं तो टॉक टॉक शो की बात। एनीवे हमारा जो सेगमेंट है, लेट्स स्टिक टू टॉक टॉक। हां हां, मैं और आप जाएंगे नॉक नॉक, मैं और आप जाएंगे एज गेस्ट, ठीक है, नॉक नॉक कभी आए ना हमारे शो में? क्यों नहीं जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम आपको एक सिचुएशन देंगे, क्योंकि आप लोग एक्टर्स हैं, तो एक्टर से अगर परफॉर्म ना कराएं तो फिर क्या फायदा, राइट? तो आपको मोहे पहले एक सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन आपने इनएक्ट करनी है, लेकिन ट्विस्ट छोटा सा ये है कि वहां पे पीछे स्क्रीन पे मेरी, क्योंकि स्क्रीन है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ प्रॉप्स चलेंगे, तो आपको जो भी सिचुएशन दी जाएगी उसमें आपने उन प्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट करना, ओके, ठीक हो गया? Okay. सर आपकी सिचुएशन ये है कि आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और एक हीरोइन हीरोइन को आप अपनी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं, ये वो खूबरू हीरोइन है जिनको आप कास्ट करने आए हैं, बिल्कुल सही, जो फिल्म की कहानी है वो मबनी है इन प्रॉप्स के ऊपर, ओके, सो जैसे पहला प्रॉप आएगा आप अपनी कहानी सुनाना शुरू करें कोमल को, और प्रॉप्स चेंज होते रहेंगे, आपकी कहानी भी वैसे वैसे चेंज होती रहेगी, ठीक है जी? जी, ओके, 3-2-1 एक्शन। देखिए मोमल जी, सबसे पहला जो शॉट आएगा उसमें आपको सेहरा नजर आएगा, आपके सामने दूल्हा बैठा है और उसने सेहरा पहना हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना हाथ बढ़ा रहा है आपके घूंघट की तरफ, तो आपकी नजर उसकी शेरवानी पे पड़ती है। जब आप उसकी शेरवानी देखती हैं तो उसके एक रुमाल लगा हुआ है जो कि ऐसे रंग का है जो कि आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसकी बड़ी मैचिंग है उसके जूते के साथ। तो जूता तो, और उसने शेरवानी खोली, अपनी तलवार निकाल के कहा है कि तुम तो हमारे दुश्मन खानदान से हो, तुम्हें मैं गला काट के कुएं में डुबो दूंगा। इस ट्रेजिक मोमेंट को देखते हुए आप हाथ बढ़ाती हैं, भाग कर बाथरूम से बाल्टी उठाते हुए बाहर पलटती हैं और घुमा के उसके मुंह पे बाल्टी मारती हैं, जिसकी वजह से उसका सर एक सिलाई मशीन पे पड़ता है और वो चकरा के गिरता है और खून बहना शुरू हो जाता है, और अगला शॉट लगता है आपके पांव का। अगली प्रॉप, प्रॉप खत्म हो गया, प्रॉप खत्म हो गई, मोहब की कहानी खत्म ना हो भाई, तालियां यार, जबरदस्त, वेल डन।